हेलो क्लास सिक्स, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। दैट्स नेम इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी विविधता को समझना। दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ये एक फ्रेंड्स के ग्रुप का एक फ़ोटो है। इट इज़ अ डाइवर्स ग्रुप। ये एक अलग अलग तरह के बच्चों का एक ग्रुप है। बट दे आर ऑल्सो सिमिलियर इन सम वेज। लेकिन वे एक कुछ तरीकों से एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलियर भी हैं। हैव अ डिस्कशन इन क्लास ऑन द वेरियस वेज इन विच द चिल्ड्रन आर डाइवर्स। फिर आपको क्या करना है, हैव अ डिस्कशन इन क्लास। आपको क्लास के अंदर एक डिस्कशन रखना है वेरियस वेज, अलग अलग तरीके से, विच द चिल्ड्रन आर डाइवर्स, कि वो बच्चे अलग अलग तरीके से किस प्रकार एक दूसरे से अलग अलग हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन एनी सिमिलियरिटीज़ यू मे नोटिस इन द ग्रुप। और आपको वो भी एक्सप्लेन करना है कि इस ग्रुप के अंदर आपको सिमिलियरिटी क्या क्या दिखती है, यानी सेम चीज़ें कौन सी हैं और अलग अलग कौन सी हैं। यू मे डिस्कस द सेम अबाउट योर ओन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। और इसी तरीके से आपको अपने खुद के फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ भी ऐसा डिस्कशन करना है। अ रेनबो लुक्स ब्यूटीफुल टू अस बिकॉज इट हैज़ मैनी कलर्स नॉट जस्ट वन। रेनबो हमें बहुत सुंदर दिखता है क्योंकि उसके अंदर अलग अलग कलर होते हैं, ना कि सिर्फ एक ही कलर होता है। इन द सेम वे इट वुड बी क्वाइट बोरिंग फॉर अस इफ़ वी वर टू ईट द सेम फूड एवरी डे। उसी तरीके से हमारे लिए ये बहुत बोरिंग होगा अगर हम हर रोज़ एक जैसा खाना खाएं। और वियर द सेम ड्रेस अगेन एंड अगेन, और एक सेम ही ड्रेस बार बार पहने। और वॉच अ सिंगल टीवी चैनल ऑल द टाइम, और हर समय एक सिंगल टीवी चैनल देखें। द वैरायटी इन आवर सराउंडिंग मेक्स आवर लाइफ एंड आवर वर्ल्ड इंटरेस्टिंग। हमारे चारों ओर जो अलग अलग वैरायटी पाई जाती है, अलग अलग तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, वो हमारे जीवन को और हमारे वर्ल्ड को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। दिस वैरायटी इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। और ये विविधता ही क्या कहलाती है, डाइवर्सिटी कही जाती है। यानी अलग अलग चीज़ें मिलना ही विविधता है, यही डाइवर्सिटी है। इन दिस लेसन वी शैल नो अबाउट डाइवर्सिटी इन इंडिया। इस लेसन में हम इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में जानेंगे। व्हाट कॉजेस डाइवर्सिटी एंड हाउ डाइवर्सिटी एनरिचेस आवर लाइफ। डाइवर्सिटी के कारण और ये हमारे लाइफ के अंदर किस तरीके से समृद्ध होती है, यानी ये फैलती फूलती कैसे है ज़िंदगी में, उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। डाइवर्सिटी, व्हाट इज़ इट। डाइवर्सिटी ये क्या है। डाइवर्सिटी इज़ द प्रेजेंस ऑफ वैरायटी इन सोसाइटी और द स्टेट ऑफ बीइंग वैरिड और डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। डाइवर्सिटी है कि हमारी सोसाइटी में और हमारी ज़िंदगी में जो वैरायटी पाई जाती है, जो अलग अलग चीज़ें पाई जाती है, अलग अलग तरह की। द स्टेट ऑफ बीइंग वैरिड, एक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की एक स्थिति, और डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ऐसी स्टेट पोजिशन को क्या कहा जाता है, डाइवर्सिटी कहा जाता है। डाइवर्सिटी एग्जिस्ट अराउंड अस इन सेवरल फॉर्म्स। डाइवर्सिटी हमारे चारों और अलग अलग फॉर्म्स में मिलती है। पीपल अराउंड अस आर डिफरेंट इन वेरियस वेज। हमारे चारों ओर जो लोग रहते हैं वो अलग अलग तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जैसे दे लुक डिफरेंट, दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स। वो अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग जगह कल्चर से बिलोंग करते हैं। दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, वो अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, वो अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से उनमें काफ़ी सारी डिफरेंसेस हैं। लुक एट योर क्लासमेट्स, aren't यू ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अपने क्लासमेट्स को देखो, क्या आप सब एक दूसरे से डिफरेंट नहीं हो। फिल इन द सिंपल बायो स्केच एंड कंपेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड टायर्स। इसको आपको क्या करना है, सारे के सारे अपने क्लासमेट्स के साथ में मैच करना है। जैसे सबके नेम, सबकी एजेस, सबके फेवरेट फूड, सबके फेस्टिवल सेलिब्रेशन, कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, मदर टंग, उनकी मातृभाषा, लाइक कलर आई लाइक द बेस्ट, जो आपका फ्रेंड, आपका पूरा क्लासमेट कलर फेवरेट है, जिसका फेवरेट ड्रेस कौन सी है, लाइफ का लक्ष्य क्या है, एम्बिशन क्या है, हॉबी क्या है, फेवरेट गेम क्या है, ये सब देखना। आप अपनी क्लासमेट्स में, अपनी क्लास में सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग मिलेगा, ठीक है। और यही डाइवर्सिटी है। फैक्टर्स काजिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के पनपने के जो फैक्टर्स हैं, जो इसके लिए प्रमुख घटक हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो हैं, पीपल आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। लोग एक दूसरे से अलग अलग कारणों की वजह से डिफरेंट होते हैं। जैसे फिजिकल फीचर, एक तो वो शारीरिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं, पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं सबकी अलग अलग, कल्चरल बैकग्राउंड होता है, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, सामाजिक और आर्थिक फैक्टर्स होते हैं। ऑल ऑफ दीज मेक एवरी वन ऑफ अस यूनिक एंड डिफरेंट। ये सब चीज़ें मिलकर हम सबको एक दूसरे से यूनिक और डिफरेंट बनाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल डिफरेंसेस। ईच वन आव हैज़ अ डिफरेंट अपीयरेंस। हर कोई अलग तरीके से दिखाई देता है। व्हेन यू लुक एट योर क्लासमेट, जब आप अपने क्लासमेट्स को देखोगे, यू विल नोटिस दैट सम आर टॉल। आप देखोगे, आप ध्यान करोगे, नोटिस करोगे कि कुछ लंबे हैं, सम शॉर्ट, तो कुछ छोटे हैं, सम हैव कर्ली हेयर, कुछ के बाल घुंघराले हैं, सम हैव स्ट्रेट हेयर और कुछ के बाल सीधे हैं,
सम हैव ब्लैक आइज, सम ब्राउन, ब्लू और ग्रे. कुछ की आंखें ब्लैक हैं तो कुछ की ब्राउन, ब्लू और ग्रे कलर की भी हो सकती हैं. फेसेस कैन बी ऑल राउंड एंड स्क्वायरिश. कुछ के चेहरे अंडाकार होते हैं, किसी का गोल होता है और किसी का चौकोर होता है. सम, अब हम देखते हैं पर्सनल क्वालिटीज़, ठीक है. सम अस लाइक आउटडोर लाइफ वाइल सम प्रेफर इट इनडोर्स. हम में से कुछ लोग आउटडोर लाइफ को पसंद करते हैं, यानी बाहर का जीवन पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग इनडोर लाइफ को पसंद करते हैं. सम प्रेफर अ सर्टेन हॉबी. कुछ की एक निश्चित हॉबी होती है, एक आदत होती है, फिक्स आदत होती है. सम लाइक टू परसू अनदर लीजर एक्टिविटी. लेकिन कुछ को दूसरी फुर्सत भरी कोई एक्टिविटी करना पसंद होता है. एनी सम आउटस्पोक, सम आर आउटस्पोकन, सम शाई. कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं और कुछ शर्मीले होते हैं. वी ऑल हैव डिफरेंट पर्सनल ट्रेट्स. हम सब की अलग अलग पर्सनल आदतें होती हैं, पर्सनल विशेषताएँ होती हैं. कल्चरल डिफरेंसेस देखते हैं. मैनी ऑफ अस कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट्स से आते हैं, राज्यों से आते हैं. स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एट होम. अपने घर में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स. अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं. वर्शिप डिफरेंटली. पूजा पाठ करने का तरीका सबका अलग अलग होता है. सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल. अलग अलग तरह के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं. वियर डिफरेंट क्लोथ्स एंड स्पेशल ओकेजन्स एंड ईट डिफरेंट फूड्स. अलग डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं किसी भी स्पेशल ओकेजन पे. सबका अलग अलग तरीके कपड़े पहनने का तरीका होता है इनका. और ईट डिफरेंट फूड्स. अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेज वी आर ऑल फ्रेंड्स एंड इन्जॉय ईच अदर्स कंपनी. इतने सारी डिफरेंसेज होने के बावजूद भी हम सब दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे की कंपनी हम इन्जॉय करते हैं. अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, 27.5% पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, विच इज़ एट एन इनकम ऑफ 859.60 पर मंथ इन अर्बन एरियाज. 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया में 27.5% लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से भी नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनकी इनकम पर मंथ कितनी है, 859.60 रुपये है, ठीक है. और अर्बन एरियाज में ऐसी कंडीशन है लोगों की, शहरी इलाकों में. अब हम देखते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस. सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं कौन कौन किस तरीके से होती हैं. कास्ट सिस्टम इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड सोशल डिफरेंसेस इन इंडिया. भारत के अंदर सोशल सामाजिक भेदभाव का या सामाजिक डिफरेंसेस का जो मेन कारण है वो है कास्ट सिस्टम, यानी जाति का सिस्टम. अनफॉर्चुनेटली दिस हैज़ लीड टू मैनी सोशल प्रॉब्लम्स लाइक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट कन्फ्लिक्ट एंड कास्ट डोमिनेशन. दुर्भाग्य से दिस हैज़ लीड टू मैनी सोशल प्रॉब्लम्स. इसके कारण कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम सामने आती हैं, जैसे कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जात पात का भेदभाव होता है, कास्ट के आधार पर लोगों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और कास्ट के आधार पर लोग अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. जो भारत का संविधान है उसने जाति के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव स्वीकार नहीं किया, यानी उसे दूर करने की कोशिश की है, यानी उसे रोक लगाई है उस पर कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए. अनटचेबिलिटी इज ऑल्सो अ क्राइम एंड हैज़ बीन अबोलिश्ड बाय लॉ. अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत भी एक क्राइम है और जिसे कानून के अंतर्गत क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है. इनकम एंड वेल्थ डिफरेंसेस क्रिएट इकोनॉमिक डिफरेंस. किसी की आय और किसी की धन संपत्ति की वजह से आर्थिक विभिन्नताएं पैदा होती हैं, विच मेक्स सम पीपल रिच एंड अदर्स पुअर. इस वजह से कुछ लोग अमीर बनते हैं तो कुछ गरीब हो जाते हैं. डिफरेंस इन इनकम लीड्स टू इनइक्वालिटी अफेक्टिंग पीपल इन मैनी वेज. इनकम में डिफरेंस होने की वजह से इनक्वालिटी आ जाती है, यानी असमानता आ जाती है और अफेक्टिंग पीपल इन मैनी वेज. और ये लोगों को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती हैं, जैसे मीटिंग बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं, जो आधारभूत ज़रूरतें हैं, जैसे खाना, घर और कपड़े, गेटिंग एक्सेस टू मेडिकल केयर, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट एटसेट्रा. लोगों को क्या नहीं मिल पाता, बेसिकल नीड्स पूरी नहीं हो पाती, जैसे खाना, रहना, घर, कपड़े और मेडिकल केयर जो होती है, एजुकेशन होती है, एंटरटेनमेंट होता है, ये कुछ बेसिक नीड्स भी लोगों की पूरी नहीं हो पाती. स्टडी दीज पिक्चर्स. व्हाट स्टार्क डिफरेंस डू दे शो. इन पिक्चर्स में आप किस तरीके के कठोर डिफरेंसेस आप देख पा रहे हो. व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर सच अ वाइड इकोनॉमिक डिवाइड इन इंडिया. आप इस तरीके से इंडिया में इतना इकोनॉमिक बदलाव, इकोनॉमिक विविधता के लिए आप रीज़न क्या मानते हो, इसका कारण क्या है कि आर्थिक रूप से इंडिया के अंदर इतना बदलाव, इतना ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, इसका रीज़न क्या है. लेट्स सी. डाइवर्सिटी इन इंडिया. भारत में विविधता.
इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, भारत एक विविधताओं का देश है। डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन आवर कंट्री इन टर्म ऑफ कल्चर, ट्रेडिशंस, कास्ट, कम्युनिटी, रीजन्स, रिलीजन्स, लैंग्वेज, फूड, ड्रेस एंड फेस्टिवल्स एट्सेट्रा। हमारे देश में जो विविधता है वो अलग अलग टर्म्स में मिलती है, अलग अलग तरीके से देख सकते हो। जैसे आप संस्कृति अलग है सबकी, रीति रिवाज अलग हैं, जाति अलग है, समुदाय अलग है, क्षेत्र अलग अलग हैं, और धर्म अलग अलग है, भाषा अलग है, खाना, कपड़े, त्यौहार, ये सब चीज़ें सब जगह अलग अलग मिलती हैं पूरे इंडिया में। द डिफरेंट फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस क्लाइमेट्स एंड इन टर्न द फूड अटायर कस्टम्स एंड कल्चर ऑफ द पीपल इनहैबिटिंग दीज रीजन्स। क्या होता है कि डिफरेंट फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स, भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर फिजिकल और ज्योग्राफिकल जो एरियाज़ हैं वो भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग मिलती हैं, और इस वजह से वहाँ की जलवायु अलग अलग होती है, और इस वजह से वहाँ पर पैदा होने वाला भोजन, वहाँ के लोगों के पोशाकें, उनकी रीति रिवाज, उनका कल्चर क्या हो जाता है, वहाँ रहने वाले लोगों का अलग अलग हो जाता है। ठीक है, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग और फिजिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स के डिफरेंट होने के कारण वहाँ पर लोगों का ये सब चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है। जैसे लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख एक डेजर्ट एरिया है जो माउंटेन्स के अंदर है, पहाड़ों के बीच है, और जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हियर, यहाँ पे बहुत कम खेती या कृषि अवेलेबल पॉसिबल हो पाती है। सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो बहुत कम बारिश रिसीव कर पाता है। एंड इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, और पूरे साल के बहुत बड़े हिस्से तक इसमें क्या जमी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, ये बर्फ़ से ढका रहता है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन दैट इन द रीजन, यहाँ ऐसे बहुत कम पेड़ होते हैं जो ऐसे क्षेत्र में ऐसे जगह पे उगते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स, पीने वाले पानी के लिए लोग गर्मियों में पिघलती हुई बर्फ पर डिपेंड रहते हैं, यानी जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तब लोगों को पीने का पानी मिलता है। पीपल हियर कीप शिप एंड गोट्स, यहाँ के लोग भेड़ और बकरियाँ रखते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीमा वूल। ठीक है, जो गोट्स इस क्षेत्र की जो बकरियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि उन वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, पश्मीमा वूल प्रोड्यूस करती हैं। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अलॉट ऑफ मनी, ये वूल बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है, और पश्मीना जो शॉल्स बनते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फॉर फ्रॉम कश्मीर, लोग लद्दाख के लोग बहुत ही सावधानीपूर्वक बकरियों से इस ऊन को क्या करते हैं, वूल को कलेक्ट करते हैं, और फिर इसे कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वूवन इन कश्मीर, क्योंकि जो पश्मीना शॉल हैं वो कश्मीर में मुख्य रूप से कश्मीर में ही बुने जाते हैं, बनाए जाते हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर, यहाँ के लोग मीट और मिल्क से बने प्रोडक्ट, मीट खाते हैं और मिल्क के बने प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे चीज़ और बटर। ठीक है, ईच फैमिली ऑन सम गोट्स काउज एंड डॉज, यानी या काउज, हर एक फैमिली की अपनी खुद की बकरियाँ गाय होती हैं। बींग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स, डेजर्ट होने का ये मतलब नहीं है कि लद्दाख व्यापारियों को अट्रैक्ट नहीं करता। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेज थ्रू विच कारवांस ट्रेवल टू वट इज़ टूडे कोल्ड तिब्बत। ठीक है, तो कैसे ट्रैक करता है ये, इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड, यहाँ पर बहुत अच्छा व्यापार, व्यापार के रूट हैं, बहुत अच्छे रूट हैं, जो बहुत सारे पासेज यहाँ से निकलते हैं लद्दाख से, वहाँ से कारवांस ट्रैवल करते हैं, और जिसे आज क्या कहा जाता है, तिब्बत कहा जाता है। दीज कारवांस कैरिड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स, इन कारवांस में कपड़ा, मसाले, कच्चा सिल्क और कारपेट्स को ट्रेड किया जाता है, उनका व्यापार किया जाता है, और ये रास्ते, ये रूट्स लद्दाख से होकर निकलते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।